ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ स्मिता तिवारी। हर षष्ठी एक हिंदू त्यौहार है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। इसे कई जगहों पर ललई छठ या हर छठ या फिर हल छठ के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीने के दौरान कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्यौहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद मनाया जाता है। हर षष्ठी का त्यौहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में पूरे भारत में बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती और हर षष्ठी के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मुसल है, जिस कारण इन्हें हलदर कहा जाता है। इन्हीं के नाम से इस पर्व को हर षष्ठी भी कहा जाता है। संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना के साथ महिलाएं हर षठ का व्रत रखती है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि हर छठ की तिथि क्या रहने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, हर छठ का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है और इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 24 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 7:51 से आरंभ होंगी और वही षष्ठी तिथि का समापन 25 अगस्त 2024 रविवार को सुबह 5:30 पर होगा। तो इस तरीके से हर छठ 24 अगस्त 2024 शनिवार को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाई जाएंगी। तो चलिए अब इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातःकाल 4:06 से प्रातःकाल 4:51 तक रहेगा और प्रातः संध्या मुहूर्त प्रातःकाल 4:28 से सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:34 से 12:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 2:08 से 3 बजे तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम में 6:25 से 6:47 तक रहेगा। सायाह संध्याकाल शाम में 6:25 से 7:32 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल सुबह 11:26 से 12:25 तक रहेगा। निशिता काल रात 11:38 से 25 अगस्त की रात 12:23 तक रहेगा। रवि योग शाम 6:06 से 25 अगस्त की सुबह 5:36 तक रहेगा। तो इस तरीके से इस दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो चलिए अब हर षष्ठी का महत्व जानते हैं। हर षष्ठी का त्यौहार भगवान बलराम को समर्पित है और इसे लोकप्रिय रूप से बलराम जयंती भी कहा जाता है। उन्हें हलायुद, बलदेव और बलभद्र जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। मुसल और फावड़ा भगवान बलराम के प्रमुख औजार माने जाते हैं। हिंदू भक्त, विशेष रूप से कृषक समुदाय से संबंधित लोग भरपूर फसल के लिए इस दिन इस पवित्र उपकरणों की पूजा करते हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अपने बच्चों की सलामती के लिए हर षष्ठी व्रत का पालन करती है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार उत्तरा ने भगवान कृष्ण की सलाह पर भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और अपने नष्ट हुए गर्भ को पुनः प्राप्त किया। तभी से हर षष्ठी का व्रत वंश वृद्धि में सहायक माना जाता है। तो यही है हर षष्ठी व्रत का महत्व। तो चलिए अब हर षठ की पूजा की विधि जान लेते हैं। इस दिन व्रती को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अगर संभव हो सके तो महुआ का दातुन करते हुए अपना स्नान आदि संपन्न करना चाहिए। इसके बाद उपासक पूजा स्थल साफ कर ले, फिर पूजा स्थल के पास दीवार के कुछ हिस्से पर गोबर से लिपे, उसमें भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर उसे हर षष्ठी माता का चित्र बनाएं, फिर पूजा स्थल के समीप मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें पानी भर ले। अब आप पलाश की टहनी, कुश और झरबेरी के झाड़ को एक साथ गांठ बांधकर हरचट बना लें। इसके बाद बनाए हुए तालाब के पास ही थोड़ी सी जमीन को लीपकर उस हरचट को वहां लगा दें। इस हरचट की आपको पूजा के अंत में भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप वहां एक चौकी रखें जिस पर मिट्टी से बनी गौरी, गणेश, शिव और कार्तिकेय की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ ही मिट्टी के एक कलश में पानी भरकर उसके ऊपर भी हर षष्ठी देवी का चित्र बनाएं।
चित्र बनाने के बाद आप मिट्टी के बर्तन में 6 प्रकार का अनाज और मेवा रख लें। हर छठ पर जनेऊ का सूत्र बांधते हैं। अब आप पूजा शुरू करें। माता को हर तरह की सौभाग्य सामग्री अर्पित करें। पूजन के बाद अब हरचट की व्रत कथा सुने और अंत में माँ की आरती उतारे। इससे पहले आपने जो हरचट बनाया उसको हल्दी के पानी में भिगोकर आप अपने संतान की कमर पर छुआ ले। मान्यता है कि यह आपके संतान के रक्षा कवच का काम करता है। इसके बाद सभी में प्रसाद वितरित करें। आपको बता दें कि हरषष्ठी देवी के प्रसाद में भुना हुआ महुआ, धान का लावा, भुना हुआ चना, गेहूँ, अरहल इत्यादि शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण होती है। तो इस तरीके से आप पूजा की विधि करें। तो चलिए इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना है उसे जानते हैं। इस व्रत को करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन जरूरी होता है। हर छठ के व्रत में गाय का दूध और दही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती है। इस व्रत में हल की पूजा होती है, इसलिए हल से जोता हुआ कोई भी अन्न और फल नहीं खाया जाता है। जिन महिलाओं ने व्रत किया होता है वो व्रत के दौरान पसाई धान के चावल एवं भैंस के दूध का इस्तेमाल करती है। इस दिन गाय का दूध और दही उपयोग में नहीं लाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो महिलाएं व्रत करती है वो महुआ के दांतों से दांत साफ करती है। इस व्रत का समापन भैंस के दूध से बने दही से और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाकर किया जाता है। मान्यता है कि हरछठ के दिन निर्जला व्रत किया जाता है और शाम को पसई के चावल और मवे का आटा बनाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको हरछठ व्रत की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।